अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महक मलिक की मुकम्मल और सीक्रेट बायोग्राफी बताने जा रहे हैं। वो महक मलिक जिस पर पड़ी सोशल मीडिया की तरह अंगेज निगाहें और बदल दिया एक आम ख्वाजा सिरा को प्रोफेशनल रकासा की कोडिंग में। हम आपको बताएंगे महक मलिक कौन है, अबाई इलाका कौन सा है और इसका ताल्लुक ख्वाजा सिराओं के किस गिरोह से है। ये एक ऐसा इब्न आदम है जो कभी तो तबलीग करता दिखाई देता है और कभी डांस। हम आपको बताएंगे इसके उस्ताद बबली पंजारों की कुछ कारस्तानियां और महक मलिक की बबली पंजारों से अलहदगी। महक मलिक के किरदार को मजीद खंगालने से पहले चैनल पर आने वाले मुअज्जज़ और सहबेदी लोगों से अर्ज़े आर्जी है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को भी दबा दें। महक मलिक का ताल्लुक सिनामा से है। ये खूबसूरत नस्वानी की झलक रखने वाला ख्वाजा सिरा है। महक मलिक ने छोटी सी उम्र में ही अपना घर बार छोड़ दिया था और ख्वाजा सिराओं के गिरोह में शमूली इख्तियार कर ली और गिरोह के तमाम ख्वाजा सिराओं के उस्ताद बबली पंजारों से नाचने की बेहंगम सी ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर ये तमाम गिरोह मेलों पर थिएटर का काम सारे अंजाम देने लगा। वहां से महक मलिक को जितना भी हिस्सा मिलता था उसे सिर्फ पेट का जहन्नुम ही भरा जा सकता था। फिर किसी वजह से महक की बबली पंजारों से अलहदगी हो गई। फिर महक ने मेलों को छोड़कर शादी ब्याहों पर नाचना शुरू कर दिया। महक मलिक को डेरा गाजी खान में एक शादी पर बुलाया गया और यहीं से इसकी शोहरत का आगाज शुरू हुआ और यहीं से महक मलिक को एंड्रॉइड की डिवाइस में कैप्चर करके सोशल मीडिया के वर्ल्ड स्क्रीन पर फेंक दिया गया। फिर सोशल मीडिया के समझ न आने वाले एल्गोरिथम ने रातों रात महक मलिक को ट्रेंड के सपुर्द कर दिया। फिर वही लोग जो कभी नरगिस, निदा चौधरी, दीदार और मेहरोजान के सरापा कियामत से अपनी निगाहों को सैराब करते थे, उन लोगों की वही निगाहें अब महक मलिक को अपनी जीनत तस्कीन बना रही थी। अब हर शादी ब्याह पर महक मलिक को बुलाया जाता है और इसको पैसों की बरसात में नहलाया जाता है। अब सरैकी के टॉप गुलूकार महक मलिक को अपने सामने नाचता हुआ देखकर फख्र महसूस करते हैं। अब महक मलिक का अरूज बेमिसाल शुरू हो चुका है। ये किसी भी फंक्शन पर जाने से पहले पैसों की फिक्सिंग करती है और 50% एडवांस पहले ले लेती है। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत सी अच्छी और बुरी वीडियो दिखाई गई हैं। कहीं तो ये अच्छाई का दर्श देती नजर आती है और कहीं बेहयाई का बम ब्लास्ट। इसके साथ ही हम आपकी ज़ौक़ समात और आपके कीमती लम्हात की कदर करते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम व्यूवर्स को सुकून सल्तनत अता करे और गुले बुलबुल की तराहिने हंसता और मुस्कुराता रखे।